हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें जो हमने कल वीडियोस डाले थे, तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैं आज जो आपकी 8th क्लास की बुक है साइंस क्लास की, उसको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, अगर आज में हो जाएगी कंप्लीट। इससे पहले जो रिक्वेस्ट मैं आपको हर बार करता हूँ कि चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ही प्रेस कर लें, क्योंकि अब मैं आपको अगर दिन में 3 वीडियो भी प्रोवाइड करवा देता हूँ तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता, आप एक वीडियो को ही देख लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अब तो कल ही वीडियो आएगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो आप बेल जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कोई नया वीडियो डाला है और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। और अगर आपको वीडियोज़ हमारे पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस ग्रुप डी या किसी भी जो HSC का एग्ज़ाम है, लेकिन जो अब हम पढ़ा रहे हैं साइंस है, ये तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर ही ये बातें पूछी जाती हैं, तो इसको देखने में पढ़ने में हमारा कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या फसल उत्पादन और प्रबंधन, जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, फिर भी हम जो बातें हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसमें खरीफ फसल और रबी की फसल, और एक होती है तीसरी जायद की फसल। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में आया था, और मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपका जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उसके पहले मैं आपको ज़रूर ही एक एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री या जो पशुपालन वाला जो हमारा टॉपिक है उसको मैं आपको एक या दो वीडियो ज़रूर ही प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन हैं, जो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके हरियाणा पुलिस और SI के एग्ज़ाम में, उसको भी हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जो ये फसलें हैं और जो कृषि से रिलेटेड अच्छे से हम उस टाइम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अभी तो हम इसमें जो चैप्टर में जो बातें दी हुई हैं केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। तो जो खरीफ फसल है ये दोस्तों मानसून के मौसम में बोई जाती हैं, जून से सितंबर तक जब मानसून की ऋतु होती है, तो इनमें कटाई कब की जाती है इनकी, तो ज्योग्राफी की जो 10th क्लास की बुक है उसमें उन्होंने दिया हुआ है सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी की फसल की बुआई किस महीने के अंत में की जाती है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम NCERT की माने तो ये अगर बोल रहे हैं अक्टूबर में ये काटी जाती हैं, तो आपको पता है जो 10th की NCERT की बुक है उसी में उन्होंने दिया हुआ है कि जो रबी की फसल है वो बोई कब जाती है, वो बोई जाती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। लेकिन कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि HSC ने तीनों ही ऑप्शन में दिए हैं, उसमें मंथ अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों ही महीने उन्होंने क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हो सकता है HSC दिसंबर को भी मान ले और हो सकता है नवंबर को भी मान ले। हमने आपको आंसर की में नवंबर बताया था, और ये जो रबी की फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं दोस्तों, इनको गर्मियों में अप्रैल और जून के महीने में काटा जाता है। ये बुक NCERT की बुक है जो 10th की, उसमें दी हुई है ये महीने जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार हरियाणा पुलिस का ही एग्ज़ाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि जो खरीफ की फसल है वो कब काटी जाती है, तो आंसर उन्होंने दिया था अक्टूबर और नवम्बर उन्होंने आंसर राइट आंसर जो दिया था HSC का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको। खरीफ की फसल है ये मानसून में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, और इसमें जो मुख्य जो फसलें हैं वो हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, जिनको बारिश की आवश्यकता होती है अच्छी मात्रा में, तो ये जो फसलें हैं धान, मक्का, सोयाबीन और मूँगफली। इसके बाद जो सेकंड है रबी की फसल, ये शीत ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर और दिसंबर में, और काटी जाती हैं गर्मियों में अप्रैल और जून के महीने में। इसमें जो मुख्य फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। वैसे हमारे हरियाणा में जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग स्टूडेंट्स खेती से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का कोई खास प्रॉब्लम उन्हें होना नहीं चाहिए कि कौन सी फसल अब बोई जाएगी। जो अभी सीजन चल रहा है, आपको पता है अब गेहूँ बोया जा रहा है, आपको देखा भी होगा। तो दोस्तों ये थी दो
जो ऋतुएं हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल, इनका आपको ये पता होना चाहिए कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं और कौन सी फसलें इनमें शामिल हैं। इसके अलावा फसल किसे कहते हैं, तो इसके चैप्टर के आप शुरू में ही पढ़ा होगा आपने, जब बहुत सारे एक ही प्रकार के पौधों को एक जगह बोया जाता है तो उसे कहते हैं फसल, क्रॉप। दोस्तों आपके कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश में करवाओ, हिंदी में करवाओ, लेकिन मैं लगभग आपको बाइलिंगुअल करवाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ जो हमें बताने की होती है, लगभग उसको ज़रूर ही आपको बताता हूँ मैं हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कौन से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, यूरिया, अमोनिया और अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास और NPK। कई बार ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, तो इसलिए फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, जो K होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कई जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको बता दूँ K है साइन पोटाशियम का, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस। ये मैंने कल भी आपको बताया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो फलीदार जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस जिनको बोलते हैं, लेग्यूम्स जो दालें होती हैं, पल्सी जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनके जड़ों में ये पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये, क्योंकि जो पौधे हैं डायरेक्टली जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको वो उससे भोजन नहीं बना सकते, जिस प्रकार हम अगर हमें डायरेक्ट गेहूँ ला के दिया जाए तो हम उसको खा नहीं सकते, हम उसको पहले पीसते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, उसी प्रकार से एक समझ लीजिए रोटी ही है ये नाइट्रेट की जो फॉर्म है पौधों के लिए, क्योंकि जो डायरेक्टली ये नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद जो ये देख रहे हैं आप खरपतवार नाशी का इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 2,4-D, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। तो दोस्तों इन्होंने ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो बात लिख दी, क्योंकि ये 8th क्लास है तो 8th क्लास के हिसाब से इन्होंने बात लिख दी, जो 12th क्लास की बात मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार से होता है। तो पहले तो ये जो 2,4-D है काफ़ी लंबा नाम है इसका, डाई क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक, ये एक ही नाम है दोस्तों, बायोलॉजी में इसी प्रकार की टर्म होती हैं, जो बायोलॉजी से जिन्होंने पढ़ी हैं लंबे लंबे नाम होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है, तो जो 2,4-D है वो एक ऑक्सिन, एक पादप हार्मोन होता है, उसी का जो पौधों से निकाले हुए हार्मोन्स ही होते हैं एक प्रकार से सिंथेटिक, जो मानव ने खुद से बनाए हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन का एक एग्जांपल है ये 2,4-D, और ये क्या करता है, जो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री जो बोलते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़र्क है इनमें। मोनोकोट्स होते हैं, जैसे आपने बाजरे या मक्का का दाना देखा हो उसका केवल एक ही भाग होता है, हम उसको आसानी से दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते, लेकिन आपने अगर चना देखा हो तो हम उसके छिलके उतारने के बाद उसको दो टुकड़ों में आसानी से बांट देते हैं, तो वो दो जो हिस्सों में बढ़ जाते हैं वो होते हैं दो बीजपत्री, और जो ये इस प्रकार के जो होते हैं बाजरा मक्का है जिनको हम दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते वो होते हैं मोनोकोट या एक बीजपत्री। तो ये कैसे वर्क करती है 2,4-D, ये जो डाइकोट्स हैं दो बीजपत्री जो खरपतवार होते हैं उनको तो मार देते हैं, लेकिन जो मोनोकोट्स होते हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, उनमें इनका छिड़काव किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो फसल होती है हमारी, जैसे गेहूं में अगर हमने छिड़काव कर दिया तो जो गेहूं को तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो और खरपतवार हैं, जो डाइकोट्स हैं, दो बीजपत्री हैं, उनको ये ख़त्म कर देता है, उन पौधों को ख़त्म कर देगा, तो इससे हम खरपतवार को हटा सकते हैं हमारे खेतों से। इसके बाद एक बात और मैंने आपको बताई थी, आपको जो इस टाइप के जो बॉक्सेज हैं इन पर खास ही ध्यान देना है, जो आगे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनमें होते हैं और हाईलाइटेड होते हैं, अगर हम जल्दी इनको देखना चाहें तो सारे चैप्टरों के लगभग 1 घंटे में अंदर 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें
विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसी जो तीन लाइनें हैं इससे हम अलग अलग क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे विटामिन डी का स्रोत है, मछली में कौन सा तेल होता है, या हमें इससे मछली से कौन सा विटामिन, जो मछली का तेल होता है कौन सा विटामिन हमें मिलता है, कितने ही क्वेश्चन हम क्यों ना बना लें इससे। तो दोस्तों इनको आप ज़रूर ही ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देख लीजिए जो खरीफ की फसल है, आपको पता है हमने आपको शुरू में ही बताया था जो जिन्हें ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है मानसून में जो बोई जाती हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धान और मक्का। इसके बाद सेकंड है रबी की फसल, रबी की फसल है दोस्तों सर्दियों में बोई जाती है, आपको पता है जो फिलहाल सीजन अभी जो चल रहा है, तो गेहूं। और जो रासायनिक उर्वरक उसका पूछा है इसने, तो हमने जो एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे NPK वगैरह के, तो ये हैं रासायनिक उर्वरक। और कार्बनिक खाद जो जैविक खाद हैं, तो ये हैं पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र और उनके अवशेषों से जो पादपों के अवशेषों से हमें मिलती है वो होती है कार्बनिक खाद। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, जब तक आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे आपके ज़िंदगी भर ये चैप्टर काम आएगा, क्योंकि इसमें जो है जो हम पढ़ेंगे इसमें जो चैप्टर में, इसमें दोस्तों जो बीमारियों से रिलेटेड, कौन सी बीमारी किससे होती है, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन से प्रोटोजोआ से होती है, मेन जो डिस्कवरीज हैं वैक्सीन की हो, अलग अलग बीमारियों की हो, अलग अलग बीमारियों के लिए जो वैक्सीन बनाई हैं उनसे रिलेटेड हो, पास्चराइजेशन हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा कम्प्लीटली वीडियो को देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, एक फ़ोटो देख रहे हैं आप, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद यह है जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाता है कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, इस प्रकार फफूंद से पेंसिलिन बनाई गई। तो ये तो बात इन्होंने दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि इस टाइप की जो डिस्कवरी होती है उसको बोलते हैं चांस डिस्कवरी या सीरेंडिपिटी बोलते हैं। मतलब कि जो ये साइंटिस्ट हैं, ये कोई और जो एक्सपेरिमेंट है उस पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो पेंसिलिन बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, बाई चांस इन्होंने ऐसा हो गया था, तो इन्होंने ही पेंसिल की जो खोज की थी। पेंसिल निलिन जो आपको पता है जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक। तो दोस्तों ये जो साइंस के क्वेश्चन है, ये आपके जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे, लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने की, ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है या प्रोटोजोआ से होती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में है। इसके अलावा जो और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी आप देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पर जो लिखी हुई हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। वैसे कॉमनली आप मेडिकल्स पे जब कोई लेकर आते हैं तो भी आपने देखा होगा एमोक्सिलिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो इस टाइप से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अलावा ये जो बॉक्सेज हैं इनको आप ज़रूरी देख लें, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक की टीके की खोज की थी। इसके बाद ये जो टेबल आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसमें आपको बताया गया है कौन सी बीमारी किससे होती है। तो जो ये 6 रोग है जिसको हम TB बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उससे होती है ये। और कई बार आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस है या 6 रोग है वो किससे होती है, विषाणु से होती है या जीवाणु से होती है। तो जो TB की फुल फॉर्म है वो TB वर्ड जो बना है वो बना है ट्यूबरक्ली बैसिलस, ये है TB का पूरा नाम। ये एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से या बैक्टीरिया हम जिसको इंग्लिश में कहें, और जो बैक्टीरिया का नाम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
ये उस जीवाणु या उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे हमारे शरीर में होती है, एक बहुत ही घातक बीमारी है जो टीबी इसका नाम है। और इसी रिलेटेड दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक जो डॉट्स आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन, आपने टीवी पर कई बार ऐड देखी होगी, ब्रांड एम्बेसडर हैं जो टीबी मुक्त अभियान के, तो जो डॉट्स है उसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये होती है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट, बीच में रह गया था, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये जो कोर्स होता है जो टीबी के लिए कुछ महीनों का होता है जिससे कि टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, इसका इलाज हो सकता है। और जो वैक्सीन्स हैं, इम्यूनाइजेशन जो टीबी ना हो उसके लिए बीसीजी, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टीबी के लिए यूज होती है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बैसिलस कालमेट। ये दोस्तों जो आपको नाम जो अजीब नाम लग रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो होते हैं जो ये इन्वेंशन करते हैं, जो नई कोई वैक्सीन बनाते हैं, कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं, तो वो अपने नाम पर रख देते हैं। तो ये है जो बीसीजी टीबी के लिए यूज़ होती है। इसके बाद जो सेकंड है मीजल्स, ये होती है वायरस से, जो चिकन पॉक्स है जिसको ख़त्म किया जा चुका है अब दोस्तों, ये भी वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरस से होती है, पोलियो वायरस। इसके बाद जो कोलेरा है, कोलेरा और जो टाइफाइड है, ये दोनों होती हैं दोस्तों जीवाणु से। ये टाइफाइड का जो क्वेश्चन आया था कल या परसों जो एग्जाम था, सैल्मोनेला, बस इतना ही नाम उन्होंने दिया था और पूछा था कि सैल्मोनेला का संबंध इनमें से किस से है, तो जो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उससे हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, या जिसको हिंदी में मियादी बुखार, मियादी बुखार बोलते हैं। हिंदी के जो वर्ड्स हैं काफ़ी दोस्तों कन्फ्यूजिंग लगते हैं मुझे, मियादी बुखार इसको हिंदी में बोलते हैं टाइफाइड को। और ये आपको पता है आंतों को प्रभावित करता है और फैलता किससे है, जल से, दूषित जल से ये फैलता है। और जो हैजा है वो भी जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेराई, कोलेरा जो है इंग्लिश में हम इसको बोले, जो बायोलॉजी है दोस्तों वो इंग्लिश में बहुत आसान है बाई हिंदी के बजाय, तो जो हैजा है जिसको हम इंग्लिश में बोले कोलेरा, ये होता है विब्रियो कोलेराई, इससे ये होता है। जो जीवाणु है जिसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है हेपेटाइटिस, भी एक वायरस की बीमारी है। और जो मलेरिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये होती है दोस्तों परजीवी या प्रोटोजोआ हम जिसको कहते हैं। एक बीमारी और है अतिसार या अमीबियोसिस जिसको बोलते हैं, अमीबिक डाइसेंट्री जिसको बोलते हैं, ये दोनों दोस्तों परजीवी या प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में होती हैं। और दोस्तों मैं जब भी कहीं भी पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात ज़रूर ही बताता हूँ, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया किससे होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ से। अगर आपसे कोई पूछे मलेरिया फैलता किससे है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मलेरिया फैलाने के लिए मादा एनाफिलीज, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, फीमेल जो मॉस्किटो है, मादा एनाफिलीज, उससे तो ये फैलता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको मलेरिया हुआ है और उसको अगर ये मच्छर काट के दूसरे आदमी को काटता है तो ही तो फैलेगा, ऐसा थोड़ी ना है किसी को बीमारी है ही नहीं, अगर उसको मच्छर काट के दूसरे को काटेगा तो नहीं फैलेगा। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि वो इन्फेक्टेड होना चाहिए वो आदमी प्रोटोजोआ से, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम जिसका नाम है। ये 12th क्लास में इसको दोस्तों, और जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से बताया गया है, उसमें चार होते हैं दोस्तों, इसकी चार स्पीशीज होती हैं मलेरिया जो फैलाते हैं परजीवी की। प्लाज्मोडियम आप तो यही याद रख लीजिए, जो मेनली इंडिया में पाया जाता है 60-70% जिससे बीमारी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो प्रोटोजोआ है या हिंदी में हम कहें परजीवी। इसके अलावा भी ओवेली होता है, कई होते हैं दोस्तों, फ्लैकीपोर्म होता है जो सबसे खतरनाक होता है, प्लाज्मोडियम की ही स्पीसीज हैं ये परजीवी के ही, और जो जातियाँ हैं उनको बोलते हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फ्लैकीपोर्म, ये अलग अलग स्पीसीज हैं मलेरिया जो फैलाते हैं।
जो परजीवी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं रॉबर्ट कोच, इन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है उसकी खोज की जो एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। जो एंथ्रेक्स जो रोग है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये कॉमन डिजीज है, मतलब कि जो पशुओं में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जो आपका पशुपालन वाला टॉपिक है, उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एंथ्रेक्स जो है पशुओं में जीवाणु से होता है, मनुष्य में भी जीवाणु से होता है। इसके अलावा जो सेकंड दिया हुआ है, गाय में माउथ एंड फुट डिजीज जिसको बोलते हैं, वो होती है वायरस से। माउथ एंड फुट डिजीज, मुँह एवं खुर का जो रोग होता है वो होता है वायरस से। पौधों के भी कुछ रोग हैं, ये जो आप देख रहे हैं नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, ये जीवाणु से होता है। ये कवक से, या जिसको हम फंगस बोलते हैं इंग्लिश में, भिंडी की पीत जो है वायरस से। दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको जब आपका जो पशुपालन एवं कृषि वाला टॉपिक है जो हरियाणा पुलिस के लिए हम करवाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप उस टाइम तक हमसे जुड़े रहे तो ही ऐसा हो पाएगा। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिरक्षक जो प्रिजर्वेटिव जिनको बोलते हैं, भोजन को बचाने के लिए अचार वगैरह कोई भी और पदार्थ हो जो उनको परिरक्षित करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो उनकी वृद्धि ना हो सूक्ष्म जीवों की, तो वो कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा सल्फाइट, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। कई बार आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा एक भोजन परिरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, तो ये सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाई सल्फाइट। इसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन के लिए किस तापमान पर कितनी देर उबाला जाए, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है। लुईस पास्चर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने नाम पर इस विधि को पास्चुराइजेशन का नाम दिया है। इसके बाद ये दोस्तों एक्सरसाइज है, चैप्टर को हम और कोशिश करेंगे जब कभी टाइम मिला तो अच्छे से जो डिस्कशन, हम हर चैप्टर का एक अलग वीडियो डालेंगे, उसके एग्जाम्पलर जो सॉल्यूशंस हैं एमसीक्यूज होते हैं वो करेंगे। ये आपका दोस्तों ग्रुप डी के जो एग्जाम है उसके लिए हम करेंगे, तो इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों हम, इसमें कुछ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले। तो पहला जो क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट है शुगर, सेकंड अल्कोहल, थर्ड है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो आपको पता है जो यीस्ट है वो करता है फर्मेंटेशन, या हम हिंदी में कहें किण्वन, किण्वन की अभिक्रिया द्वारा जो शुगर में चेंज कर देता है और अल्कोहल जो बनाता है। तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी था, प्रतिजैविक जो मैंने आपको बताए थे, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े थे। इसके बाद मलेरिया परजीवी का वाहक, इसमें जो हमने बात जो डिस्कस की थी, इसमें वही बात पूछी गई है कि निम्न में से कौन जो है वेक्टर है जो फैलाता है मलेरिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा मादा एनाफिलीज। अगर इसी की जगह ये होता मलेरिया किसके द्वारा होता है, और चार ऑप्शन आपको दिए जाएँ, और पहला ऑप्शन हो मादा एनाफिलीज, सेकेंड हो परजीवी, फोर्थ हो बैक्टीरिया और फिफ्थ हो वायरस, तो आपको आंसर क्या करना होगा, परजीवी या प्रोटोजोआ। इसके बाद नेक्स्ट है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, संचरणीय रोग होते हैं दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हैं, तो उनका सबसे बड़ा वाहक है, क्योंकि ये जो गंदगी है उसके ऊपर बैठती है और उससे जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनको एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुँचा देती है। तो घरेलू जो मक्खी है, हाउस फ्लाई है, वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, थर्ड जो है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, क्योंकि ये CO2 रिलीज करता है, CO2 का रिलीज होता है उस टाइम जब ये यीस्ट अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करती हैं, तो इससे जो ब्रेड और इडली जब वो रिलीज होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे ये फूलने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है,
तो ये मैंने आपको ऊपर जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसमें भी आपको बोला था मैंने कि शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है यीस्ट, तो कौन सी जो प्रोसेस कौन सी है, तो मैंने आपको बताया भी था किण्वन जो फर्मेंटेशन है वो होती है ये प्रोसेस। इसके बाद ये जो नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे हमारे 6 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। तो पहला है जीवाणु, जीवाणु है आपको पता है ये किसका कारक है, जीवाणु कारक है हैजा का, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उससे ये फैलता है, होता है सॉरी फैलता है दूषित पानी से, जो पानी कंटेमिनेटेड जो वाटर है उससे जो हैजा हमारे शरीर में होता है जिसको कोलेरा हम बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद सेकंड है राइजोबियम, ये भी हमने पढ़ा था जो पहला चैप्टर है उसमें भी पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रेट की फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है जो पादप है पौधे हैं उनको। इसके बाद थर्ड है लैक्टोबैसिलस, ये दोस्तों दही का जमना लैब एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये इसका पूरा नाम है, 12th क्लास में जिसने पढ़ी है बायोलॉजी से उसको अच्छे से पता होगा ये। इसके बाद फोर्थ जो हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ ऑप्शन, एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के लिए हमें क्या ऑप्शन करना है, तो ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें जो चीज़ है इस चैप्टर में, तो ये मैंने आपको 2-3 बार बता दी है। प्रोटोजोआ या परजीवी मलेरिया का कारक है, मलेरिया और एक और बीमारी है अमीबियोसिस या अतिसार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये दोनों का कारण होता है प्रोटोजोआ, और जो मलेरिया फैलाता है उस स्पेशल जो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और जो लास्ट है एक विषाणु, विषाणु से आपको पता है एड्स का एक कारण है जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है उसके कारण होती है एड्स जो वायरस है, वायरस का नाम आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने केवल 2 चैप्टर किए हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज ही अगर हमारी कोशिश रहेगी इस बुक को कंप्लीट करवाया जाए, लेकिन अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ही हमारा मन करेगा ऐसा काम करने का। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कोई आपकी सजेशन है, कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई लोग बोल रहे हैं लिंक प्रोवाइड करवा दो बुक्स का, तो मैं आपको बता देता हूँ, कई बार आपको बताया भी है, प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए NCERT बुक्स, तो आपको पता नहीं कितने ही ऐप्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको NCERT की बुक्स प्रोवाइड करवाती हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी जो एक्सरसाइज हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको उन्हीं ऐप्स में मिल जाएंगे। तो आपको बार बार हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, लिंक प्रोवाइड करवा दो। हिंदी वाली इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम है वो तो चलती रहेगी, आधे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं इंग्लिश में करवा दो, आधे बोल रहे हैं हिंदी में करवा दो, लेकिन मैं आपको जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है आपको दोनों जो कई वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो इंग्लिश और हिंदी में पता होना चाहिए दोनों में बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपके ऊपर है आप उसको कितना समझ पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जल्द ही हाजिर होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।